गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे इतना लेट क्यों नहाई, आज मेरे को नहाने का टाइम ही नहीं मिला। सारा काम वगैरह निपटाने के बाद ना फिर मेरा वीडियो का बहुत लंबा काम था और मुझे लग रहा था वीडियो बहुत लेट हो जाएगी अगर मैं नहाने धोने के चक्कर में पड़ी। और ऐसे तो मैं नहा लेती लेकिन मुझे बालों से नहाना था तो आराम से ना कंडीशनर वंडीशनर करते हुए ना मुझे 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 से 20 मिनट। और आजकल मैं कंडीशनर ज़रूर करती हूँ क्योंकि बाल ना बड़े गर्मियों में ना पसीने की वजह से रफनेस फील हो रही थी, तो इसीलिए पहले मैंने काम किया, उसके बाद फिर माँ ने चाय बना दी। तो फिर जब चाय पी ली तो फिर थोड़ी देर के लिए और मुझे वेट करना पड़ा नहाने जाने से, थोड़ा लेट हो गया नहाने में। फिर अभी पापा और सिद्धार्थ मैच देख रहे हैं। सिद्धार्थ को कल उसको 103 फीवर हो गया था रात को, और फिर दवाई एंटीबायोटिक सब कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छा हुआ। क्योंकि हम थोड़ा सोच रहे थे कि 100 फीवर तो मतलब सर्दी जुकाम में आ जाता है अक्सर, तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन अच्छा ही किया कि हम उसको लेके गए। क्योंकि यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाते वहाँ दिखाते दिखाते उसको फीवर एकदम से शूट कर गया 103 तक। आज उसको फीवर नहीं आया था अभी तक, अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं, अभी तक उसको फीवर नहीं आया था, लेकिन अभी उसको 99.4 मतलब स्टार्ट हो गया चढ़ना। अभी मैंने उसको दवाई खिला दी है और मेरी 1-6 बजे क्लास होती है, जैसे मैंने बताया ना, कभी योगा कभी कुछ होती है। लेकिन मुझे लग रहा है इस पूरे महीने में मैंने सिर्फ 5 या 6 दिन वो क्लास अटेंड की है, और मुझे बहुत डांट पड़ती है। यू नो, जो फिटनेस कोच है ना वहाँ की, बहुत डांटती हुई, जो डर लगता है। तो इस बार की जो मीटिंग होगी ना उसमें अच्छे से मैं डराई जाऊँगी, बहुत डांट लगेगी मुझे क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया। तो आज तो मैं भी अटेंड करूँगी, अभी 10 मिनट से बाद ही मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। सिद्धार्थ की आवाज़ आ रही होगी, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं उधर, और उसके बाद फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे। बारिश हो नहीं रही है, पूरा मौसम दिन भर बना रहता है, बीच में थोड़ी सी धूप निकलती है, अदरवाइज ना पूरा बदली जैसा रहता है। आज दोपहर में बड़ी तेज़ आंधी तूफान भी आया कुछ देर के लिए, फिर ठीक हो गया, बट बारिश नहीं हो रही है। तो ये था अभी तक का अपडेट। तो अब मैं क्लास अच्छे से अटेंड करके फिर मिलती हूँ आपको जब मैं डिनर वगैरह बनाने जाऊँगी ना। तो एक्सरसाइज वगैरह डन है और नीचे हम लोग थोड़ा वॉक करके भी आ गए। फिलहाल डिनर बनाने का समय हो गया है और आज डिसाइड किया है कि सिंपल वाली खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी जो बनेगी वो थोड़ा अलग स्टाइल से बनेगी, दाल वगैरह भून करके, जनरली मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और आज मैं आपको ना नया बर्तन अपना दिखाने वाली हूँ जिससे आज भी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है इंदस वैली का कास्ट आयरन का वॉक बोल लीजिए या ब्रॉड कढ़ाई आप इसको कह सकते हैं। इस टाइप के बर्तन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ब्रॉड होते हैं और जिस टाइप की मेरे घर में कुकिंग होती है ना, भुजिया वगैरह हम लोग बनाते हैं, उसके लिए इसी टाइप का ब्रॉड बर्तन चाहिए होता है। बाकी आप इसमें नूडल्स फ्राइड राइस वगैरह बना सकते हो। ये इंदस वैली का है तो ये 100% नेचुरल एंड फूड सेफ है। इनको बनाने में किसी तरीके के टॉक्सिन्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता और साथ ही ये नेचुरली नॉनस्टिक का काम करते हैं। मेनली ये वॉक ही है जिसके अंदर आप वो सारी कुकिंग कर सकते हो जिसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है आपको। तो फ्राइड राइस हो गया या कोई भी चाइनीज आइटम, नूडल्स वगैरह अगर आपको कुक कर लेना तो ये बहुत अच्छा है। और ये शेप जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी इसमें बेस ऐसा दिया हुआ है ना कि आप इसको इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से पूरा ऐसे चौड़ा है। यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख सकते हो, द इंदस वैली। इसमें आप आराम से 4 से 5 से 6 लोगों का खाना कुछ भी बनाना है कुक कर सकते हो। और मेरे लिए ये और भी अच्छा है क्योंकि जैसे मैं भुजिया वगैरह किसी चीज़ की बनाती हूँ ना, तो भुजिया के लिए हमेशा आपको एक चौड़ा बर्तन चाहिए होता है जिसमें आप अच्छे से फ्राई कर सको किसी चीज़ को। तो उसी हिसाब से भी ये बहुत अच्छी है। और कास्ट आयरन है तो ये अच्छा होता है हमारे खाने के लिए, आपको नेचुरल आयरन एवरीडे मिलता रहता है। ये और बर्तनों से अगर कंपेयर करें जैसे नॉनस्टिक वगैरह होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये इंदस वैली के हैं तो इनमें किसी भी तरीके की केमिकल कोटिंग वगैरह भी नहीं है, किसी भी तरीके का केमिकल इनको बनाने के लिए यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये 100% सेफ है कुकिंग के लिए। और ये कास्ट आयरन के बर्तन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर सकते हो। आप इसको जी भर के यूज़ कर सकते हैं, सालों दर साल ये वाले बर्तन आपके चलते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी ड्यूटी और ड्यूरेबल होते हैं। और इंदस वैली के जितने भी बर्तन आते हैं सारे प्री सीजनड होते हैं, पहले से ही सीजनिंग हो रखी होती है तो आपको सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आप एक बार ऐसे ही थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके ऑयल थोड़ा सा डाल करके कर भी सकते हो। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया, तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम दाल को भूनेंगे खिचड़ी के लिए।
तो अगर आपको भी ये कढ़ाई पसंद आई है और कुछ ऐसा आप अपने किचन में एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही आपको मेरा एक डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, यहाँ भी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। सबसे पहले तो मैंने अच्छे से सोप लगा के इस कढ़ाई को वॉश कर लिया है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। हालांकि सीजनिंग होकर आती है लेकिन फिर भी थोड़े से ऑयल से, मैंने कहा था ना इसको फर्स्ट टाइम आप अच्छे से ऑयल लगा के खूब तेज़ गर्म कर लो अच्छे से, जब तक इसमें से ना एक स्टीम जैसा आपको निकलता ना दिखे, और उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो और एक बार फिर से मांज करके अच्छे से क्लीन करके दोबारा से आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। दो तरह की दालों को मिक्स करके खिचड़ी बन रही है। इसमें रहेगी 60-70% मूंग की दाल, जो धुली मूंग होती है, येलो वाली जो मूंग आती है, और बाकी का जो परसेंटेज है वो अरहर की दाल का रहेगा। दोनों दाल को हम लोग भून करके अच्छे से प्रिपेयर करके बनाने वाले हैं। और ये वाली खिचड़ी मैंने पूरी माँ से पूछ के बनाई थी, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाती हैं खिचड़ी, तो ये उनका तरीका है, बस मैं उनसे पूछते जा रही थी और बनाते जा रही थी। तो आप ये ट्राई करना, खिचड़ी सच में बहुत यम बनी थी। तो सबसे पहले तो इसमें अरहर और मूँग की दाल आप डाल लीजिए किसी भी बर्तन में। उसके बाद इसको ड्राई आपको रोस्ट करना स्टार्ट करना है, मीडियम फ्लेम पे या मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको रख के रोस्ट करें, क्योंकि आराम आराम से आपको करना है, एकदम से जलाना नहीं है। तेज आंच पे करेंगे तो फिर दाल जलने का खतरा बना रहता है। मीनवाइल ये छोले जो है ये भीगे हुए रखे थे जिनको मुझे यूज़ करना था, तो इनका मैं कुछ बनाने वाली हूँ यमी सी रेसिपी खिचड़ी के साथ ही खाने के लिए। छोले नहीं बनाऊँगी, कुछ और बना रही हूँ इससे मैं। तो यहाँ पे मैंने छोले डाल लिए हैं, दो आलू रख दिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के आलू मैंने रखे हैं क्योंकि छोले जो हैं वो टाइम लगाएंगे पकने में, तो छोटा आलू रख दूंगी ना तो एकदम से वो ख़राब हो जाएगा। थोड़े बड़े साइज़ के रखें, हल्का सा नमक डाल दें और इसको बॉईल कर लें। बॉयल चने जब ठंडे हो गए ना थोड़े से, तो मैंने इसको चॉपर के अंदर रखा है। आप मिक्सी में भी डाल सकते हो, बट चॉपर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा दरदरा हमको इसे पीस के तैयार करना है, पानी इस ना छोले में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही चॉपर के अंदर मैंने एक प्याज और हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया है, तो प्याज और हरी मिर्ची भी साथ में चॉप हो जाएंगी। अगर इन केस आप मिक्सी में कर रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची, और नहीं तो आप एकदम महीन अगर चॉप कर सकते हैं तो ऊपर से भी चॉप करके ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा दरदरा एक जैसा फाइन चॉप होके तैयार हो गया है यहाँ पे चना। हम इसे ना एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ के साथ इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड करना शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं जिंजर से, जिसको अच्छे से महीन ग्रेट करके इसमें आपको डालना है। लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऐड कर दीजिए। फिर ये जो आलू हैं इनको भी हम एकदम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा आपको ऐड करना है, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब ऐड कर देंगे। साथ ही डालेंगे थोड़ा ज़्यादा करके ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून के आसपास आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दो, थोड़ा सा वो पेपर का जो टेस्ट है ना ऐसी रेसिपीज़ में बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, जो कि उतना ज़्यादा टेस्ट के लिए नहीं बल्कि मैंने दिखने के लिए डाले हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर सत्तू, आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैं बेसन ऐड नहीं कर रही हूँ, सत्तू से और ज़्यादा ये यमी बनता है। बेसन ऐड करने पे ना थोड़ा क्या होता है, अंदर से अगर ज़रा सा भी कच्चा रह गया या आपने डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई किया तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कच्चापन फील होता है। तो बेटर है कि एक बार आप बेसन की जगह इसमें सत्तू यूज़ करके देखें, ऐसी रेसिपीज़ में सत्तू ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने इसमें सत्तू डाल दिया है, लगभग 3/4 कप के आसपास ही सत्तू होगा, और अच्छी तरीके से आप देख लें, आपको छूने से समझ में आ जाएगा कि इसमें बाइंडिंग कैसी हो गई है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा बॉल बनाइए और तेल में डाल के देखिए, अगर वो स्प्लेटर कर रहा है, फैल रहा है चारों तरफ,
टूट टूट के, तो दैट मीन्स इसमें बाइंडिंग की और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा बाइंडिंग आप इसमें और मिला दीजिए। सारे एक साथ ना शेप ना दीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ कटलेट बनाने में या इस टाइप की टिक्की कबाब्स बनाने में ना, तो हमेशा एक बार चेक करके देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये कबाब्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, आप इनको ऐसे तो खा ही सकते हो, बाकी साइड रेसिपी की तरह अगर खिचड़ी वगैरह के साथ आप इसको खाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और चलिए यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं खिचड़ी की। ये दाल है जो हमने भून करके तैयार की थी, आप इसका कलर देख सकते हो, बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है पता है दाल जब भूनते हैं। तो फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे, तो 60% आप दाल रखिए, 40% चावल रखिए। कई बार तो मैं 70-80% दाल और बाकी का चावल रखती हूँ, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम मोटा कुटा हुआ मसाला हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लहसुन लिए हैं 3, हरी मिर्च ली है, काली मिर्च ली है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। माँ खिचड़ी बनाती हैं ऐसे ही, लहसुन और ये सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की, इसके साथ में वो जीरा भी डालती हैं, जीरे का पाउडर डाल करके, और सारा उबलने में ही डाल देती हैं। अब इस खिचड़ी को ना आपको तड़के लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना भी है थोड़ा सा हींग और जीरा से आप तड़का लगा दो बस, ये इतनी यम बनती है ना। एक बार आप सेम इसी मेथड से बना के देखना, दाल को भून ऊन के अच्छे से प्रिपेयर करके। तो यहाँ पे कुकर में मैंने ऐड कर दिया है, जितना आपका दाल चावल है उसका 4 गुना आपको पानी इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया का पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और यहाँ पे ना हल्दी डालना मैं भूल गई। एक्चुअली इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, मुझे ना सिद्धार्थ को दिखाने के लिए जाना था, हमने कल उसको डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि फ़ीवर तेज आया है ना, तो एक बार आप रिव्यू के लिए कल ज़रूर लेके आना, तो हम दवाई देखेंगे, अगर ये सूट करती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी दवाइयाँ चेंज कर देंगे। तो मैं फटाफट बस ये सारा काम करके गैस पे चढ़ा गई थी कुकर को, और माँ से बोल दिया था कि माँ बस आप नीचे गैस जला देना, और फिर मैं निकल गई थी। इसी उसमें ना हड़बड़ी में मैंने हल्दी नहीं डाली उसके अंदर। और ये देखिए, ये कुछ ऐसे कबाब बना के तैयार हुए थे, बहुत ही यमी क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से तो सॉफ्ट थे, और जो चने का और सत्तू का जो फ्लेवर मिक्स होके आ रहा था ना, बहुत अच्छा आ रहा था। और खिचड़ी आपने देखी, बस खाली हल्दी की उसमें थोड़ी कमी रह गई थी, और सबको बहुत मज़ा आया घी के साथ खिचड़ी और ये कबाब खा के। और यहाँ पे ये हम पहुँच गए हैं अगली सुबह पे, अभी सुबह की बस चाय ही बना के पीने जा रहे हैं। और जब भी कोई नया बर्तन आता है ना, तो उससे मेरा ऑब्सेशन हो जाता है, और मैं उसको रिपीटेडली यूज़ करती हूँ बाकी के और बर्तन छोड़ करके। तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो मैं नए के नए उठा के रख भी देती हूँ, कुछ गिव अवे भी कर देती हूँ। कई बार मुझे क्वेश्चन आता है कि इतने बर्तनों को आप करते क्या हो, तो ज़्यादातर देखिए मेरा कुकिंग चैनल है, तो डिफरेंट बर्तन यूज़ करना मुझे अच्छा भी लगता है, और जब इतने बर्तन आपको पीआर में मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप उनको यूज़ करते हो। बाकी बहुत सारे बर्तन मैं इधर उधर गिव अवे भी कर देती हूँ, और कुछ बर्तन हैं जो एकदम नए के नए मैंने उठा के रख दिए क्योंकि मुझे उनको यूज़ करने की नीड नहीं लगी, तो काफ़ी बर्तन मेरे स्टोरेज में भी रहते हैं जो मुझे लगता है कि मेरे डे टू डे लाइफ में मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि ये कढ़ाई है, अब ये नई आई है तो मैं इसको रखूँगी नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है मेरे घर में जो भुजिया वगैरह हम बनाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, तो ये तो रेगुलर यूज़ होने वाली है। खैर रेसिपी पे आते हैं, नहीं तो रेसिपी बहुत आगे निकल जाएगी। तो आज का जो मेन्यू है ना, वो सीधा हस्बैंड ने सुबह उठ के डिसाइड करके बता दिया कि मुझे ये खाना है, तो बस उनके हिसाब से ही आज खाना, उन्होंने जो बोला वही बन रहा है।
तो बन रहे हैं चने की दाल का तड़का, साथ में जो किशमिश और काजू वाले पुलाव बनते हैं वो बन रहे हैं, साथ में मसालेदार गांव की स्टाइल की विलेज स्टाइल सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये पुलाव जो मैं कई बार दिखा चुकी हूँ बट फिर भी मैं फटाफट यहाँ पे बता देती हूँ। तो एक हैवी पैन के अंदर आप थोड़ा सा घी ले लीजिए, इसके अंदर लौंग, इलायची, दालचीनी, ये तीन चीज़ें आपको ऐड करनी है। फिर आपको काजू किशमिश ऐड करना है, उनको भून लेना है। काजू पहले ऐड करना है, उसको थोड़ा सा भून लेना है, जब उसका कलर चेंज हो जाए फिर आपको किशमिश ऐड करना है और हल्का सा उसको भी भून लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्की सी हल्दी, पिंच और टू पिंच हल्दी चला के हल्का सा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, बासमती राइस यूज़ कीजिए इसके लिए, और राइस को ना आप आधा घंटा लगभग वॉश करके रख देना, सोक नहीं करना है, जस्ट वॉश करके रख देना है। और फिर इसमें डालने के बाद ना राइस को आपको खूब भूनना है, लगभग 3 से 4 मिनट बिना पानी वानी डाले पहले खूब भूनिए। इधर मैं राइस भून रही थी, उधर माँ परवल और आलू को खूब अच्छे से भून रही थी, परवल आलू सरसों के तेल में बिना किसी जीरा उरा के, बस अभी भूनना है आपको, खूब लाल लाल करके भूनना है। तो परवल मैंने मोटे मोटे कट किए हैं और बीच बीच में से उसमें स्लिट लगाए हैं, वो आपने वीडियो क्लिप में भी देखा ही होगा। और यहाँ पे देखिए मैं चावल भूनते जा रही हूँ, 3-4 मिनट खूब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूना। जब ये चावल का एक एक कण ना एकदम अलग थलग होने लग गया था तब मैंने इसके अंदर ऐड किया नमक और फिर मैंने पानी ऐड कर दिया। वैसे तो इसमें गर्म पानी डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा बनता है, मैंने ठंडा ही ऐड कर दिया है जल्दी जल्दी में। इधर हमारे जो परवल आलू हैं ये भी हो चुके हैं तो इनको हटा लिया है। अब मैं इसके लिए एक मसाला बना रही हूँ और यही मसाला विलेज स्टाइल मसाला है। तो यहाँ पर लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है, हरी मिर्ची भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही जितने भी मसाले हमको आगे डालने हैं वो सब के सब मसाले मैं मिक्सी के अंदर ही डाल देने वाली हूँ। तो क्या क्या डाला मैंने अभी तक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, साथ में एक छोटे साइज़ का बिल्कुल मिनी प्याज आपको इसमें ऐड करना है। फिर हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, साथ ही इसमें आपको ऐड करना है जीरा, आधा छोटा चम्मच जीरा, और साथ में काली मिर्च के दाने ये भी ऐड कर दीजिए। और इनको अच्छी तरीके से 1-2 चम्मच पानी भी आप ऐड कर सकते हो अगर ज़रूरत हो तो, और इनको पीस लीजिए। अब देखिए ये हमारा जो मसाला ये तैयार हो गया है। अब आपको इस आलू परवल की सब्ज़ी के अंदर ना कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कढ़ाई में हम लेंगे तेल। सरसों का यहाँ पे मैंने तेल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले आपको सरसों डालने हैं, जो मोटे वाले सरसों आते हैं ना वो, ये काले वाले सरसों नहीं है तो आप पीले वाले सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनको अच्छे से आप तड़क जाने दो, जब ये अच्छे से तड़क जाए फिर हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च और साथ में हींग। उसके बाद हमने जो जिंजर, गार्लिक, अनियन और सारे मसालों का ये पेस्ट तैयार किया है ना, ये आप कढ़ाई में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल करके रिंस करके मिक्सी का जो पानी है वो भी इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको भून लेना है अभी हमें। जब ना ये अच्छे से भुन जाए फिर हम इसके अंदर एक टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और उसको पीस करके इसके अंदर ऐड कर देना है। वैसे आप इस रेसिपी में अगर टमाटर यूज़ ना करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ये ऐसे ही बनती है बिना टमाटर के, मैंने डाल दिया है, माँ इसको बिना टमाटर की बनाती हैं। बस आपको क्या करना है, जो प्याज की क्वांटिटी हमने जिंजर गार्लिक के साथ ली थी उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दें अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं, अदरवाइज़ सिर्फ एक टमाटर इस रेसिपी के लिए बिल्कुल मोर देन इनफ है। उसके बाद उसको भी थोड़ा भून लिया था मैंने और फिर मैंने ये फ्राई किए हुए परवल और साथ में आलू ऐड कर दिए, नमक ऐड कर दिया है, पानी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको ढक करके हम पका लेंगे। फ़िलहाल जो तड़का मैं दाल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर और 1 उसके अंदर लहसुन की कली डाल दी है। और 1 ही लहसुन इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ भी लहसुन यूज़ करने वाले हैं, तो वो मैंने पीस लिया है। इधर मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल, इसके अंदर जीरा का तड़का दिया है, सूखी मिर्च का तड़का दिया है, हींग थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ, लगभग हर खाने में हींग मेरी जाती ही जाती है। फिर यहाँ पे लगभग 3 बड़े साइज़ के मैंने गार्लिक लिए थे, इनको अच्छे से चॉप कर लिया है, महीन महीन ये ऐड कर दिया है। लहसुन जब अच्छे से भुन गया है तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले, जैसे हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और फिर इसके अंदर हमने टमाटर और गार्लिक का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा पका लेने के बाद हम इसके अंदर जिंजर, जूलियंस और स्प्लिट ग्रीन चिलीज ऐड करने वाले हैं।
थोड़ी सी दाल ऐसे लेकर के ना इसको मैश कर दीजिए, तो थोड़ी दाल जो है वो खड़ी खड़ी रहेगी और थोड़ी दाल ऐसे मैश हो जाएगी। और ये वाली जो चने की दाल है ना, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, दोस्ती रोटी के साथ में तो और भी अच्छी लगती है। मुझे पराठों के साथ में ये दाल बहुत पसंद है, दोस्ती रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ भी मुझे ये वाली चने की दाल ना अच्छी लगती है। तो बस इसमें थोड़ा पानी, नमक जो भी कम लग रहा है ऐड कर दीजिए और बस ये उबल जाएगी तो ये दाल जो है ये डन है। इधर इनको भी हम चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल ही तैयार है, सुपर यमी टेस्टी मसालेदार विलेज स्टाइल सब्ज़ी है ये, तो इसको ट्राई करके देखना पूरी रोटी पराठे सबके साथ, तो दाल चावल के साथ भी ये अमेजिंग लगेगी। आप ना कास्ट आयरन या आयरन के बर्तन में कुछ भी बनाएं, कोई खट्टा आइटम दही वाला या फिर टमाटर वाला भी बनाते हैं ना, तो उसको बस गरम गरम निकाल लो, तो फिर वो जो टेस्ट ख़राब होता है वो नहीं होता है। तो बस मैं तुरंत जैसे ही सब्ज़ी हो गई मैंने इसको उतार के रख लिया है, क्योंकि सब्ज़ी में टमाटर थे और टमाटर ना भी हो ना तब भी आप हटा ही लो तो बेटर रहता है। और ये हैं हमारे यमी यमी पुलाव। और सारा खाना पीना हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, सब ने खाना पीना खा लिया। उसके बाद थोड़ी देखिए किचन की हालत जो है वो बहुत ख़राब सी हो रखी है, तो अब इसको सही करने का टाइम आता है। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हैं क्योंकि कविता आ नहीं रही है और अब शायद वो आएगी नहीं, उसको थोड़ा हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मतलब अभी नहीं आ पाएगी वो, तो अब मुझे किसी और को देखना होगा काम के लिए, बट तब तक अपने हाथ से काम करना होगा। तो यहाँ पे डिशवॉशर मैंने पहले ही एम्प्टी कर लिया था, किचन में काम करते जा रही थी और बीच बीच में डिशवॉशर को भी मैंने खाली कर लिया, और अब जो है बस सारे बर्तन इसमें प्लेस करने हैं और किचन अच्छे से क्लीन करना है। मैंने ना काफ़ी लेट खाना खाया था सुबह, मैं थाली सबको सजा के दी थाली मैंने, लेकिन मैं शूट करना भूल गई, तो अपनी थाली जब मैंने लगाई है तो मैंने यहाँ पे शूट किया है। दाल, दही, परवल की सब्ज़ी, सैलेड, थोड़ा सा राइस और साथ में मैंने अपने लिए ज्वार की रोटी ली है और ये कटलेट, ये कल रात मैंने नहीं खाया था, बचा के रखा था एक मैंने, तो ये अभी मैं खाने के साथ ले रही हूँ। किचन वगैरह क्लीन हो चुका है और आज का दिन हम, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।